Now, chapter number 4, data file handling. This is a very important chapter. In this chapter, आपके बुक में से लगभग 10 मार्क्स का इसमें से एग्ज़ाम में आता है. डाटा फाइल हैंडलिंग मीन्स फाइल्स को, जो आपका डेटा है उसको फाइल में किस तरह से यूज़ किया जाए. देखो, फर्स्ट वाले मीनिंग आता है डाटा. डेटा मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, यानी कि जैसे भी हमने कोई कोडिंग किया है, जैसे हमने कोई भी टाइप डॉक्यूमेंटेशन किया है, उस सबको डेटा कहते हैं. हमारा कंप्यूटर, जब आप उसे कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, तो वो आपके रैम के अंदर रहता है, यानी कि टेम्प्रेरी फाइल के अंदर रहता है. लेकिन जैसे ही वो अगर हम फाइल को रन करा लेते हैं और बाद में एंटर करके बाहर निकल आते हैं प्रोग्राम से, तो जो हमने आउटपुट किया होता है, जो भी हमने प्रोग्राम के लिए कोडिंग करने के लिए हमारे कंप्यूटर प्रोसेसिंग किया होता है, सारी रिमूव हो जाती है. इस तरह से हम जितनी बार प्रोग्राम को रन कराते हैं, हर बार यही सब प्रोसेस बार बार रिपीट होता है, और इससे हमारे कंप्यूटर की बहुत सारी मेमोरी और बहुत सारा टाइम हमारा यूज़ हो जाता है. तो इससे अच्छा कोई ऐसा तरीका हो जिसमें हमारी फाइलें स्टोर हो जाएँ कहीं पर, हमने जो काम किया है वो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी में कहीं स्टोर हो जाए, ताकि बाद में जब इसकी दोबारा प्रोसेसिंग हो, दोबारा जरूरत हो, तो आसानी से ओपन कर सकें. इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे हम कंप्यूटर में कोई काम करते हैं, देन करने के बाद उसे सेव कर देते हैं और उसको बाद में ओपन कर लेते हैं. दैट इज़ वो उसी तरह से ये भी वर्क करता है. डेटा फाइल हैंडलिंग, यानी फाइल्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, फाइल को किस तरह से वर्क कराया जाए, दैट इज कॉल्ड डेटा फाइल हैंडलिंग. नाउ द फाइल इज अ डॉक्यूमेंट और द डेटा stored on a permanent storage device which can be read, written or rewritten according to the requirements. Means उस फाइल में आप रीड कर पाएँ, राइटिंग कर पाएँ, और दोबारा जो कोई हमने चेंजेस करने हैं या दोबारा कोई अपडेट चेंज करना है वो चेंज कर सकें. डेटा इज पैकेज्ड अपॉन द स्टोर्ड स्टोरेज डिवाइसेस एज डेटा स्ट्रक्चर्ड कॉल्ड द फाइल्स. मीन्स इस तरह से आपकी फाइल वगैरह स्टोर हो जाती हैं, और जो फाइल्स होती हैं वो आपकी सारा ये फाइल है आपकी, बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये सब आपकी सेकेंडरी फाइल्स होती हैं जो आपके डेटा को स्टोर करती हैं. यानी कि फाइल इज अ स्ट्रीम ऑफ और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर डेटा ऑक्यूपाइंग नेम्ड प्लेस्ड ऑन द डिस्क वेयर अ सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड डेटा इज टू बी स्टोर्ड. ठीक है, अब इसमें नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन डेटा फाइल्स. नंबर वन में जैसे ही आप फाइल को ओपन करते हैं, उसमें सबसे पहले काम होगा फाइल को क्रिएट करना. उसके बाद ट्रावर्सिंग अ फाइल फॉर डिस्प्लेइंग डेटा ऑन द स्क्रीन, मींस जो भी आपकी फाइल है उसमें डेटा को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना हो, ट्रावर्सिंग कहलाता है. एक डेटा को दूसरे डेटा में, एक फाइल दूसरी फाइल में डेटा को ट्रांसफ़र करना हो, दैट इज कॉल्ड ट्रावर्सिंग ऑफ डेटा. अपेंडिंग डेटा ऑन द फाइल, अपेंड बेसिकली मीनिंग ये होता है कि आपने एक फाइल बना रखी है, अब आप उसमें और ऐड करना चाहते हैं, तो वो फाइल के बिल्कुल एंड में ऐड होगा. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फाइल है, इसमें एंड में आके हम कोई ऐड करना चाहते हैं, दैट्स कॉल्ड अपेंडिंग. इंसर्ट, इंसर्ट मतलब होता है कि हमने कुछ नई वैल्यू ऐड करनी है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि एंड में स्टोर हो. इसके लिए हम पहले से प्लेस बताते हैं कि कौन सी प्लेस पर हमारा ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, तो उसको कहलाता है इंसर्ट. डिलीटिंग, डेटा को डिलीट करना, जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ डेटा है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, दैट्स कॉल्ड डिलीटिंग ऑफ डेटा. नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग ए कॉपी ऑफ द फाइल, मीन्स एक फाइल हमारी बनी हुई है उसकी एक और कॉपी तैयार करनी है, यानी डुप्लीकेट कॉपी भी तैयार करनी है उस मेन फाइल में. हम कुछ नहीं करना है, नई फाइल बनाना चाहते हैं, डेट इज कॉपी ऑफ फाइल. अपडेटिंग डेटा इन अ फाइल, मीन्स आपको आपका डेटा एक फाइल बनी हुई है उसमें कोई अपडेशन करना है, मीन अपडेशन से कह सकते हैं आपको कुछ चेंजेस वगैरह करना है, कुछ पहले से लिखा है उसको हटा के नया डालना है, दैट इज कॉल्ड अपडेट डेटा इन अ फाइल. नाउ द क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ फाइल्स, मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइल्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल. हमारे पास दो तरह की फाइल्स होती हैं, नंबर वन इज टेक्स्ट फाइल, सेकंड थिंग इज बाइनरी फाइल. टेक्स्ट फाइल बेसिकली जिसके अंदर आप जो भी काम करते हैं वो नोट पैड पर करते हैं. इसका एक्सटेंशन होगा .txt, यानी आपका डेटा इसके अंदर स्टोर होगा सारा का सारा. और इस फाइल ये ASCII वैल्यू पर काम करेंगी, जो हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII, ये आपने पढ़ रखा है पहले से. इसमें इसके थ्रू वर्क करेगी ये. इसमें इन टेक्स्ट फाइल ईच लाइन इज टर्मिनेटेड बाई ए स्पेशल करेक्टर नोन एज अ EOL, दैट मीन्स एंड ऑफ फाइल्स. इस फॉर्मेट में डेटा में से नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट होता है. नाउ द सेकंड इज अ बाइनरी फाइल. बाइनरी फाइल जिसमें आप सभी जानते हैं अच्छे से कि कंप्यूटर हमारी केवल मशीन लैंग्वेज समझता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं. टेक्स्ट फाइल में आप जो भी काम करते हैं वो हमारा नॉर्मल यूज़र फ्रेंडली होता है, बट बाइनरी फाइल में जो काम किया जाता है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होता, लेकिन मशीन के लिए फ्रेंडली होता है. तो बेसिकली कह सकते हैं इमेजेस हुए, वीडियोज़ हुए, ऑडियोज़ हुए, ये इस तरह की फाइल से ज़्यादातर बाइनरी फाइल में स्टोर होती हैं, क्योंकि इस तरह का काम इसमें पॉसिबल हो पाता है. बाइनरी फाइल में किसी भी तरह का डेलिमिटर्स नहीं होता,
करेक्टर ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए फाइल ईजिली स्टोर होती है। अब हमारा टेक्स्ट में हमने काम किया लेकिन फाइल हमारी ईजिली स्टोर नहीं हो पाएंगी, कंप्यूटर को पहले से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा बाइनरी फॉर्मेट में, तब उसके बाद वो स्टोर करेगा, लेकिन बाइनरी में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इसमें ट्रांसलेशन से काम बच जाता है और इसी कारण इसमें स्टोरेज करना ईजी होता है और ये फास्ट काम करता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द टेक्स्ट फाइल। बट यूज़र के लिए समझ पाना बाय फाइल को टफ होता है, इसलिए यूज़र नॉर्मली टेक्स्ट फाइल पे वर्क करते हैं, यानी हम लोग ज़्यादातर टेक्स्ट फाइल पे काम करते हैं और कंप्यूटर को उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ना। अब एक जो हम जब भी कोई फाइल में काम करने लगेंगे, सबसे पहला काम होगा फाइल को ओपन करना। ओपन करने के लिए हम लिखते हैं, जैसे कोई वेरिएबल ले लिया, एफ एक वेरिएबल है, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसके अंदर हम देते हैं ओपन फाइल नेम, जो भी आप फाइल ओपन कर रहे हैं। इसके बाद मोड बताना पड़ता है कि किस मोड में फाइल को ओपन करना है, जैसे हमने लिखा है वो आर मोड इज इक्वल टू आर, यानी हमने मेंशन कर दिया कि ये आर मोड में हमारी फाइल ओपन होगी। अब बात आती है व्हाट इज़ द मोड एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोड, ठीक है। मोड की बात करें तो देखिए फाइलें हमारी दो फॉर्मेट में वर्क कर रही हैं, टेक्स्ट फाइल में और बाइनरी फाइल में। जहाँ हमने टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आर, आर फॉर रीडिंग ओनली। अगर आप अपनी फाइल में सिर्फ रीडिंग करना चाहते हैं, पहले से बनी फाइल लेके उसके अंदर काम हो रखा है, आप रीड करना चाहते हैं रीड ओनली फाइल, और वही फाइल अगर बाइनरी फाइल है तो आर भी यूज़ किया जाएगा। अगर हम आर प्लस यूज़ करते हैं तो उसके अंदर रीड एंड राइट दोनों पॉसिबल होगा, यानी रीडिंग भी हो पाएगी और राइटिंग भी। अगर आर बी प्लस करते हैं तो उसके अंदर रीडिंग राइटिंग दोनों होगी इन द बाइनरी फॉर्मेट। नेक्स्ट वन इज़ डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर राइटिंग ओनली, R से रीडिंग था, W से राइटिंग ओनली है, नहीं इस फाइल में सिर्फ राइट कर पाएंगे, रीडिंग नहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। और WB से राइटिंग इन अ बाइनरी फाइल, W प्लस कर दिया तो पहले राइटिंग देन फिर रीडिंग, यहाँ पर आपकी राइटिंग कंपलसरी होगी। अगर आपकी फाइल बनी हुई नहीं है तो पहले बना लेंगे, बनेगी फिर उसका रीडिंग पॉसिबल हो पाएगी। तो राइटिंग देन रीडिंग और सेम प्रोसेस आपकी बाइनरी के लिए काम कर रहा है। इसके अपेंडिंग, अगर आपकी फाइल बनी हुई है आप उसमें कुछ नया ऐड करना चाहते हैं लेकिन एंड ऑफ द फाइल, फाइल के लास्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो अपेंडिंग यूज़ करेंगे। अपेंडिंग के लिए ए दिया और उसके लिए ए बी, और इसी तरह से ए प्लस है, अपेंडिंग प्लस रीडिंग मींस आपने अपेंड करके लास्ट में कोई ऐड कर दिया, देन उसके बाद कंप्लीट करने के बाद ए बी प्लस करते हैं। ए बी प्लस करने से क्या होगा, जो भी हमारी फाइल बनी हुई है उसके वो आपकी बाइनरी फॉर्मेट में अपेंड होगी और उसके बाद वो वर्क कर पाएगी, ठीक है। ये फाइल को ओपन करने का तरीका है, जब ओपन हो जाती है देन उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और देन उसके बाद उसकी फाइल को क्लोज कर देते हैं। आज के सेशन में हम यही सब रखेंगे, इसके नए सेशन में नया टॉपिक स्टार्ट होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे पास व्हाट्सअप के थ्रू कॉल कर मुझ पर मैसेज भेज सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9873021443, ठीक है। इसमें आपकी जो भी क्वेरीज हों मेरे किसी भी लेक्चर से रिलेटेड तो मुझे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, नंबर फिर से देख लीजिए 9873021443, इस पर आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक, ओके।